नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के वार्ड क्रमांक 6 जो कि यहाँ की प्रत्याशी और हैं कांग्रेस की, जिनका नाम है कीर्ति विश्वकर्मा जी। इन्होंने वार्ड क्रमांक 6 से 280 वोटों से जीत हासिल की है और बीजेपी को हराया भी है। तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में, और हम आइए इनसे जानते हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी थी और अब जीत हासिल होने के बाद अपने वार्डवासियों का किस प्रकार सपोर्ट करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई भी कि आप इस वार्ड से बीजेपी को हरा के जीत हासिल की है। इससे पूर्व भी 8 साल तक मैं वार्ड नंबर 31 से पार्षद रही हूँ, और उसके भी पूर्व 2009 में मैंने चेयरमैनशिप यानी नगर पालिका अध्यक्ष का भी इलेक्शन लड़ा था और जीत हासिल करी थी, ऐसा मैं कह सकती हूँ। आपके वार्ड में कितने वोटों की पोलिंग थी और आपने कितने वोटों से उन्हें हराया है? हमारे यहाँ 1490 वोट पड़े थे और उसमें से मुझे 580 वोट मिले और बीजेपी को 306 वोट मिले, और जो हारने वाली प्रत्याशी थी वो तत्कालीन इससे पूर्व पार्षद थी इस वार्ड से बीजेपी से ही, और उनको शिकस्त देकर अपन इस समय पार्षद पद पे बैठे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप अपने वार्ड से चुनाव लड़ रही थी? देखिए, वार्ड नंबर 6 बहुत ही घना और कंजेस्टेड वार्ड है। यहाँ पे आपको वाइड एरिया नहीं मिलेगा, चौड़ा एरिया नहीं मिलेगा, बहुत पतली गलियाँ हैं यहाँ पे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे एरिया का है वो है यहाँ से जो अपना शहर का नाला पास होता है, सीवेज की प्रॉब्लम है, यानी कि पूरे शहर का पानी जब इकट्ठा होकर के बहता है बारिश के समय में प्राइमरली, तो वो नाले का पानी उफला जाता है और उफला करके जैसे नहीं दूध उफला जाता है और सब तरफ फैल जाता है, तो घरों में नाले का पानी भरता है यहाँ पर। ये पूरे ही एरिया की सबसे बड़ी समस्या, मतलब आधे से ज़्यादा घर में नाले का पानी घुस जाता है। तो जब मैं वार्ड नंबर 6 का दौरा करने गई तो सबसे पहली डिमांड जो पूरे वार्ड की तरफ से आई वो ये थी। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसको सॉल्व करना है। सीवेज की समस्या आप इसको कह सकते हैं, पूरे शहर में ही नालियों की ब्लॉकेज है, पूरा शहर में पानी की निकासी नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, और वही समस्या यहाँ पे बहुत विकराल रूप धारण कर लेती। तो एक बात ये है, और लेफ्ट साइड का जब एरिया हम लोगों ने कवर किया तो वहाँ पे क्योंकि इतनी पतली रोडें हैं कि गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ पे, तो गाड़ियाँ नहीं जा सकती तो लाइट का मेंटेनेंस नहीं हो पाता, और सही नहीं आ, मुझे पता है कि क्यों ऐसा किया गया, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों के आवास नहीं आए हैं। आवास में ना आने की वजह से लोगों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, उनका घर भी टूटे हुए हैं, और अभी भी वो लोग बेचारे पन्नी टपरिया, इतना बड़ी योजना लागू होने के बावजूद इस वार्ड में मकान नहीं बना पाए वो लोग, और एक गरीबी स्तर के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको जो मेन लीग होती है हमारे समाज की वो हट के हैं अभी, मतलब मेन स्ट्रीम से जुड़ी हुई नहीं है हमारे वार्ड की महिलाएं, सब अपने घर में हैं और घर में भी एक दायरा सीमित है। तो निश्चित तौर पे जो बाहर की जो मेन गति है दुनिया की, जो समाज की, जो आजकल चल रहा है डिजिटलाइजेशन चल रहा है, आप जैसे लोग देखिए बाहर आ रहे हैं, महिलाएं अपना एक स्वच्छंद एक फ्रीडम तलाश रही हैं कि कुछ उनको ऐसा भी करने को मिले जिससे कि उनको लगे कि हाँ वो भी जीवन जीने की हकदार हैं। तो इस तरह से जुड़ करके कोई एक ऐसा सामूहिक कार्यक्रम बनाएंगे हम जिसमें सबकी सहभागिता हो, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उनको अवसर मिले, जिसका जो इंटरेस्ट है वो घर में रह कर के या बाहर रह कर के या यहाँ पे कम से कम मेरे कार्यालय में आके बैठें, जो भी कुछ अपन इनोवेटिव कर सके, क्रिएटिव कर सके जिससे कि लाइफ के स्तर में थोड़ा इजाफा हो, ऐसा कुछ भी हम लोग करेंगे। किस प्रकार अपने वार्डवासियों का आभार व्यक्त करेंगे? वार्डवासियों का तो मुझे 5 साल काम कर करके आभार व्यक्त करते रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब मेरी बारी है। अब मुझे तो 5 साल के लिए उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है, कभी भी मैं एब्सेंट नहीं रहूँगी, जब वो चाहेंगे उपलब्ध रहूँगी। कार्यालय मैंने अपना जो चुनाव के समय बनाया था जो कि घर में है,
उसी को मैंने पार्षद कार्यालय के रूप में तब्दील करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है और यहाँ पे हम लोग रोज़ बैठते हैं। ये लगातार खुला रहेगा, चलता रहेगा, टाइमिंग सुनिश्चित हो जाएगी कि अपन अवेलेबल रहेंगे और सब लोग आएँ, काम जो हैं वो होंगे, करेंगे और काम ही करने के लिए अपन बैठे हैं, सो काम करेंगे बस। आपका मास्टर प्लान क्या है आगे के लिए? मेरा मास्टर प्लान सबसे पहले सीवेज के लिए हम लोग पैसा इशू करवाना, मैं पैसा इशू करवाना चाहती हूँ इस वार्ड के लिए। जैसे ही परिषद का गठन होगा वार्ड नंबर 6 के लिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए मुझे सैंक्शन लेना है और साथ ही साथ फिर नालियों के निर्माण के लिए लेना है। उसके बाद पानी की सप्लाई सुनिश्चित करनी कि हर घर में आ गई है कि नहीं। ऐसा जब सब हो जाएगा कि पानी हो जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा, फिर फाइनली जो सैंक्शनिंग आएगी वो रोडों के लिए आएगी। तो RCC रोड फिर फाइनल बनाया जाएगा ताकि ये जो पूरा वार्ड उखड़ा डला है उसको इवन करवा दिया जाए, आने जाने में अच्छी सुविधा हो जाए। आप किस प्रकार अपने वार्ड की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे? अब वही नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का मन है कि सोलर लाइटिंग की व्यवस्था करवाई जाए। बहुत सारे जो ऐसे नुक्स एंड कॉर्नर्स हैं जहाँ पे निकाय ही मना कर देता है, भाई हमारी गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो वहाँ पे आखिर आदमी वर्षों से अंधेरे में रहा है। लेकिन मेरा अपना एक विजन है कि हम लोग ट्राई करेंगे कि जो सोलर लाइट होती है तो कम से कम ऐसी जगहों पे, चाहे वो खुद के ही खर्चे से क्यों ना हो, सोलर लाइट लगाने का मेरा एजेंडे में है कि लाइटिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये सारी बातें हो गई, फिर उसके बाद आता है निकाय के थ्रू जन सामान्य की योजनाएं, आवास का देखना पड़ेगा कि कितने लोगों को नहीं मिला है, नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, फिर उसको करवाया जाए। और उसके बाद फिर जितनी योजनाएं समय समय पर उतरती हैं, बेटियों का है, शादी का है, स्कॉलरशिप्स हैं, जो भी कुछ मेरे तहत हो सकता हो या निकाय के तहत हो सकता हो, तो सभी स्तर पर मैं अपने वार्ड के लोगों की हेल्प करूँगी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।